Hello guys, welcome to the online classes. Today we are going to continue our exercise 12.2. In this exercise, three questions of first, second and third we have discussed in the last video. Now I'm starting from third question, and this exercise is based on the circle. All the theorems about chord, distance, perpendicularity, bisections, about this we have discussed. I hope so you have cleared all the theorems and you have revised again. Now I'm starting the next fourth question of this exercise. Question number fourth, according to the RBSC syllabus, a structure is given. In which two chords are there? First is AB and second is CD. Two chords are there. First is AB and second is CD. Both are intersecting at the point E. Let's suppose this is the point E and which is the intersection point of both the chords. After it, these both the chords are equal. It is given that AB is equals to CD. What we have to prove that arc DA is equals to arc CB. हमें क्या प्रूव करना है? Arc DA is equals to arc CB. क्लियर है बात यहां तक? देखो, हम यहां से ये बोल सकते हैं, पहले तो देखो इसको ज्वाइन करवा दो. इसके दो मेथड है, डायरेक्टली करता हूं. देखो, बहुत सिंपल सा मेथड रहेगा. वी नो दैट, हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं. देखो, वी नो दैट इक्वल कॉर्ड्स विल मेक इक्वल आर्क्स. If the two chords are equal, then the formed arc by these chord will also be equal to each other. It means हम ये बोल सकते हैं arc ADB, arc ADB is equals to arc CBD. This is the symbol of arc. ये जो curve जो structure denote करते हैं, या तो arc लिख दो पहले ARC से, या फिर आप ये symbol denote करो, तो symbol ज़्यादा smooth रहता है. Let's suppose this is the equation number first. ये arc में equation है. मैं दोनों से BD minus कर दूँ इसमें से, क्योंकि एक equation में से हम कोई दोनों side में से, we can remove a common value from either side of the equal symbol. Subtract arc BD from equation first. Clear? तो arc ADB minus BD minus करना था हमें, minus arc BD is equals to arc CBD minus arc BD. क्लियर है यहां तक? और जैसे ही अपन ने माइनस किया, ABD minus BD, ADB, DB में से ये माइनस हो गया, बचा क्या? arc AD is equals to CBD. CBD में से BD हटा तो क्या बचा? arc CB. और जो कि हमें प्रूव करना था. तो ये अपने फोर्थ क्वेश्चन का स्टेटमेंट था. दीज टू का कोड्स आर इक्वल, देन प्रूव दैट आर्क सी बी इज इक्वल्स टू आर्क ए डी, जो कि अपन ने स्टेप बाय स्टेप प्रूव कर दिया. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्ट्रक्चर इज गिवन अगेन. It is looking like a
लुकिंग लाइक की क्या बात करें, सर्कल ही है ये तो। दिस द पॉइंट सेंटर, एम एन, और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए गए हैं, ये परपेंडिकुलर है सेंटर से कॉर्ड पे। ए बी एंड सी डी आर दीज टू कॉर्ड्स। इन दिस स्टेटमेंट ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ओ ए बी एंड ओ एन इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी, देन प्रूव दैट एंगल ओ एम एन, ओ एम एन इज इक्वल टू एंगल ओ एन एम, एंगल ओ एम एन इज इक्वल टू एंगल ओ एन एम। देखो हमें ये एंगल इसके इक्वल प्रूव करना है, हाउ विल डू इट, इज इट इज गिवन दैट ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ये हमें डायरेक्टली क्लियर कर रखा है। इट इज गिवन दैट ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं इक्वल कोर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, क्लियर? इक्वल कोर्ड्स होंगी वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होंगी, इसका मतलब ये हुआ कि ओ एम इज इक्वल टू क्या होगा, ओ एन, क्योंकि सेंटर से ये डिस्टेंस है ओ एम वन, ओ एम एंड ओ एन, देयर फॉर ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। देन ओ एम और ओ एन इक्वल हुई तो हम ओ एम एन ट्राइंगल को सेलेक्ट करेंगे जिसमें ये दो साइड इक्वल है, इट मीन्स ओ एम एन विल बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, देन ट्राइंगल ओ एम एन इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, एंड इन एनी आइसोसेलेस ट्राइंगल द अपोजिट एंगल ऑफ द इक्वल साइड विल बी इक्वल टू इच अदर, एंड इन एनी आइसोसेलेस ट्राइंगल अपोजिट एंगल ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड विल बी इक्वल। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ कि ना? देखो ट्राइंगल ओ एम एन मिट ओ एम इज इक्वल टू ओ एन हुआ, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, इट मीन्स ट्राइंगल विल बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के कोई दो एंगल इक्वल होते हैं, और वो एंगल कौन कौन से होते हैं, वो एंगल होते हैं जो इक्वल साइड के अपोजिट में होते हैं, तो ओ एन के अपोजिट में कौन सा एंगल है, ये वाला जो कि एंगल ओ एम एन, सो एंगल ओ एम एन इज इक्वल टू एंगल ओ एन एम, दैट्स वी हैव टू प्रूव। बात समझ में आई होगी? इतना सिंपल सा स्टेटमेंट था जो कि अपन ने प्रूव किया है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बट बिफोर दैट यू हैव टू पॉज वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, वो भी सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, आप इजी वे में आप इसको सिंप्लीफाई कर पाओगे, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। इससे पहले कि आप एक बार क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने की कोशिश करें एंड देन मैच योर आंसर, इफ़ यू आर इन फेसिंग एनी काइंड ऑफ द प्रॉब्लम देन प्लीज मैच योर सॉल्यूशन। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6, स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, ए स्ट्रक्चर इज गिवन, इन दिस स्ट्रक्चर टू सर्कल्स आर देयर, in the given figure O and O dash, O is the center of this circle and O dash is the center of this one circle, AB parallel to OO dash, AB is a line segment which is in this manner, AB is parallel to this one, to main yahan ye symbol mention kar deta hu, so clear ho jayega, AB is parallel to OO dash,
आफ्टर इट प्रूव दैट ए बी इज ट्वाइस ऑफ ओ ओड एक्स. हमें क्या प्रूव करना है, ए बी जो है ए बी इज डबल ऑफ दिस वन. इसको इससे ज्वाइन भी करवा रखा है इस टाइप से. और ये जो पॉइंट्स हैं ये हैं ई डी एंड सी, ई डी एंड सी इस टाइप से. क्लियर है बात यहां तक? अब चलो करते हैं, देखो कैसे करेंगे हम. हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला जो मैटर है ओ ओ डैश है वो ए बी के क्या है, इक्वल है. तो पहले तो हमें ये दे रखा है, इट्स गिवन दैट, इट इज गिवन दैट. ये कोई थ्योरम नहीं है, गिवन दैट ए बी पैरेलल टू ओ ओ डैश. और हमें जो प्रूव करना, चलो वो लिख भी देता हूं, गिवन दैट. टू प्रूव, जी बड़ा लिख दो फिर कैपिटल. व्हाट वी हैव टू प्रूव, ए बी इज इक्वल्स टू ओ ओ डैश. अब हम प्रूव करेंगे कैसे, है ना? ध्यान से समझो, ये जो सर्कल है, चलो पहले इस पे आओ, ए डी इज पैरेलल टू ओ ओ डैश, ठीक है? तो डेफिनेटली ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है. क्लियर है बात यहां तक? और ये इसके पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल. तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री का, और ये एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री का. और ये क्या बन जाएगा आपके पास, एक रेक्टेंगल बन जाएगा. रेक्टेंगल बन जाएगा तो हम ये बोल देंगे ओ ओ डैश इज इक्वल्स टू डी ई हो जाएगा. तो हम एक ऐसा कोई रिलेशन बन जाएगा. तो पहला तो अपना टारगेट ये रहेगा, हाउ वी हैव टू प्रूव दैट बोथ द साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट पेयर्स आर पैरेलल. सभी एंगल्स 90 डिग्री के हैं, तो पैरेलल प्रूव करते ही ये 90 रेक्टेंगल बन जाएगा. तो पहला तो अपना टारगेट ये रहेगा कि हम इनको पैरेलल कैसे प्रूव करें. ओ, ये तो पैरेलल दे रखा है, हमें ये पैरेलल प्रूव करना है. तो देखो सिंपल सा है, प्रूफ की बात करता हूं. ए बी पैरेलल टू ओ ओ डैश, यदि ए बी ओ ओ डैश के पैरेलल तो डी ई भी तो ओ ओ डैश के पैरेलल होगा, देन डी ई ऑल्सो पैरेलल टू ओ ओ डैश. द कंप्लीट एंटायर लेंथ ऑफ ए साइड इज पैरेलल टू द अदर साइड, देन द पार्ट ऑफ दिस साइड विल ऑल्सो पैरेलल टू द अदर साइड. मैटर तो सेम ही रहा ना, इसका पार्ट लिया तो होगा तो पैरेलल ही. अब बात करते हैं इस पे, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं, तो डेफिनेटली OD एंड OD इज परपेंडिकुलर ऑन BA. ये दे रखा है क्या बुक में, चेक करता हूं मैं. ये बुक में दे नहीं रखा, लेकिन हमें कंसिडर करना होगा. या तो इसको परपेंडिकुलर कंसिडर कर लो, या मिड पॉइंट. ये बुक में इनकम्प्लीट क्वेश्चन रहा है, तो या तो इसको परपेंडिकुलर कंसिडर करो, या ई और डी मिड पॉइंट होने चाहिए. मिड पॉइंट होंगे तो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होंगे तो मिड पॉइंट होगा. क्लियर होना चाहिए था, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी. तो लेकिन बुक में नहीं दे रखा, तो हमें कंसिडर करना होगा. ओ डी इज परपेंडिकुलर टू बी ए, तो मैं परपेंडिकुलर कंसिडर कर लेता हूँ. एंड ओ डैश ई, ओ डैश ई इज ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन ए बी. अब देखो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, अलाइड एंगल का सम 180, तो ये लाइन क्या हो गई, पैरेलल होंगी. तभी पॉसिबल है, यदि 180 है तो ये लाइंस क्या होंगे, पैरेलल होंगे. सो ओ डी इज पैरेलल टू ओ डैश. अब देखो हमें एक नया कॉन्सेप्ट मिला, ऐसे होते ही हमें नया कॉन्सेप्ट मिला, जो कि क्या होगा, तो हमें मिला इन क्वाड्रिलेटरल. देखो ध्यान से देखना, इन क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल ओ ओ डैश ई डी, ओ ओ डैश ई एंड डी, ऑल एंगल्स आर इक्वल्स टू 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर इक्वल 90 डिग्री एंड द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. वो मैंने मेंशन कर दिया क्या यहाँ पे, नहीं किया. अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑल द एंगल्स, ऑल द
ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री, देयरफॉर ओ ओ डैश ई डी इज ए रेक्टेंगल। ओ ओ डैश ई डी क्या बना अपने पास, एक रेक्टेंगल बन गया। अब यदि ये रेक्टेंगल हुआ तो अपन यहां से बोल सकते हैं सो अपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी, ओ ओ डैश इज इक्वल टू ई डी होगा डेफिनेटली। चलो इसको आगे यू कर सकता हूं, ओ ओ डैश इज इक्वल टू ई सी प्लस सी डी, बिकॉज ई डी इज सम ऑफ ई सी एंड सी डी। अब देखो ई सी इज हाफ ऑफ बी सी, कि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा तो ये मिड पॉइंट होगा, ई विल बी द मिड पॉइंट ऑफ सी। सिमिलरली सी डी इज हाफ ऑफ ए सी बिकॉज, रीजन यहां लिख देता हूं, ई एंड डी आर मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यहां तक टू एलसीएम लिया, ओ ओ डैश इज इक्वल्स टू हाफ, मैंने कॉमन बोल दो चाहे, बी सी प्लस ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, टू ओ ओ डैश इज इक्वल्स टू बी सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी क्या होगा, ए बी, ए बी, और जो कि हमें क्या करना था, प्रूव करना था। सो इट इज आवर फाइनल प्रूफ ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6। आई होप सो यू अंडरस्टूड।